good morning dear students in this video i am going to explain the back exercise of chapter number 5 that is plants in the surroundings and the back exercise is mentioned on the page number 38 and 39 of your science book so let's start with the new words okay here are the some terms which are introduced in this chapter okay the first one is the root the part of the plant which remain under the ground रूट क्या होता है ये वो प्लांट का वो पार्ट होता है जो ग्राउंड के नीचे रहता है द सेकेंड इज शूट द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अब द ग्राउंड ये प्लांट का वो पार्ट होता है जो हमेशा ग्राउंड के ऊपर रहता है द थर्ड वन इज क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीवस क्लोरोफिल एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो किस में होता है लीव्स में फोर्थ वन इज फोटोसिंथिस द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स प्रपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट. लाइट फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रपेयर करते हैं एयर वाटर एंड सन लाइट की सन लाइट की प्रेजेंस में लास्ट वन इज जर्मिनेशन. द प्रोसेस बाई विच सीड्स ग्रो इन ए न्यू प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड वाम ठीक है क्या है एक प्रोसेस है जिसमें सीड्स जो हैं वो ग्रो करती हैं न्यू प्लांट में किसकी प्रेजेंस में एयर वॉटर एंड की प्रेजेंस में ओके स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न द न्यू वर्ड्स एज सच दे आर गिवन इन योर बुक्स ओके नाउ वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट पार्ट इज टिक द करेक्ट आंसर द पार्ट ऑफ द प्लांट डेट रिमेन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड डैश प्लांट के उस पार्ट को क्या बोलते हैं जो हमेशा ग्राउंड के नीचे रहता है ऑप्शन आर स्टेम लीफ रूट एंड फ्लावर द करेक्ट ऑप्शन इज रूट सो वी हैव टू टिक ऑन द रूट द सेकेंड इज वी ईट फ्लावर्स ऑफ डैश हम किसके फ्लावर्स को ईट करते हैं ऑप्शन आर ग्रास व्हीट पटेटो ब्रोकली द करेक्ट आंसर इज ब्रोकली मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड वन टू जोिनेट ए सीड रिक्वायर्स जब भी एक सीड ने ग्रो करना होता है तो उसे क्या क्या चाहिए होता है द ऑप्शंस आर एयर वाम्थ वाटर और ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज मीन्स ये सारी चीजें द करेक्ट आंसर आंसर इज ऑल ऑफ दीज बिकॉज टू जर्मिनेट ए सीड इट रिक्वायर्स ए एयर वाटर एंड वाम्थ द बेबी प्लांट इनसाइड ए सीड इज कॉल्ड डैश जो एक सीड में बेबी प्लांट होता है उसे हम क्या बोलते हैं कोटिलिडन्स करेक्ट आंसर इज एम्ब्रीक है सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर आफ्टर सम टाइम फर्स्टली वी विल डिस्कस द ब्लैंक्स ओके द फर्स्ट वन इज द रेडिकल ग्रोस इन टू द डैश जो रेडिकल होता है वो किसमें ग्रो करता है रूट्स ओके स्टूडेंट लुक हेयर वी हैीड वेन एमब्रू स्टार्ट ग्रोइंग it will firstly grow in the downward direction and the first part which grow is called the radical ठीक है जब भी embryo grow grow करना शुरू करता है तो वो downward direction में तरफ grow करता है जब वो downward direction की तरफ grow करता है और जो first part होता है उसे हम क्या बोलेंगे radical और radical उसके बाद किस में change हो जाता है root में okay now the second blank is the dash changes into a flower कौन सी कौन सा प्लांट पार्ट है जो फ्लावर में चेंज होता है ठीक है वी है ऑलरेडी रीड दैट बर्ड चेंजेस इन टू द फ्लावर सो वी हैव टू राइट बड बड द स्पेलिंग ऑफ आर बी यू डी द थर्ड वन इज लीव्स कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश लीव्स में कौन सा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है आंसर इज क्लोरोफिल सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्लोरोफिल आर सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल क्लोरोफिल्स फ्रॉम द रूट टू दार्ट ऑफ ए प्लांट ठीक है वो कौन सा प्लांट पार्ट है जो वॉटर एंड मिनरल्स को रूट से लेके जाके सभी सभी पार्ट को सप्लाई करता है द आंसर इज स्टेम द्लैंक इज द डैश ऑन द स्टेम ऑफ ए प्लांट चेंजेस इन टू ए फ्रूट ठीक है कौन सा प्लांट पार्ट है जो फ्रूट में चेंज करता है द आंसर इज फ्लावर द आंसर इज फ्लावर ठीक स्टूडेंट ऑलवेज लर्न दिस चार बर्ड चेंजेस इन टू ए बर्ड चेंजेस इन टू ए फ्रूट सॉरी बर्डेस इन टू ए फ्लावर एंड फ्लावर चेंजेस इन टू ए फ्रूट सो एंड नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर फाइव ऑफ पार्ट टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज डि डिस्टिंग बिटवीन फाइब्रस एंड टैप रूट डिस्टिंग मीन्स हमें कंपेरिजन करना है कि फाइब्रस और टैप रूट में क्या डिफरेंस है जब भी हमें डिस्टिंग बोला होगा तो हम उसका कंपेरिजन सेंटर में लाइन लगा के करेंगे ठीक है फर्स्टली द फाइब्रस रूट्स मेनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ स्टेम आर कार्ड फाइब्रस रूट जब भी स्टेम के एक एंड से काफ़ी सारी रूट्स ग्रो करेंगी तो हम उन रूट्स को क्या बोलेंगे फाइब्रस रूट्स the second is tap roots, a thick main root from which thinner roots grow called tap root. जब भी सेंटर में एक थिक रूट होगी और उसकी साइड में से स्मॉलर रूट्स ग्रो करेंगी तो सेंटर वाले रूट को हम क्या बोलेंगे टैप रूट ओके द सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ ए लीव योर आंसर विद अ डायग्राम हमने अब लीव के डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन करना है और साथ में ही डाइग्राम बनानी है ठीक है फर्स्टलीयर इज द डायग्राम ऑफ ए लीव बच यू हैव टू ड्रॉ द सेम डाइग्राम ऑन योर कॉपीज सी दिस इज द स्ट्रोक वट इज दिस दिस इज अट्रोक इट अटैच द लीव टू द ट्रंक जी एक स्ट्रोक है जो लीव को ट्रंक के साथ अटैच करती है द सेकेंड दिस इज द ब्रॉड एंड फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ विच इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड ओके दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड द इन द सेंटर यू कैन सी दिस इज द स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच रन थ्रू द लीफ दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेन लीफ ओके सॉरी मेन वेन दिस इज कॉल्ड मेन वेन And from this main vein, many side branches are also growing. Okay, these side branches are called side vein, these are called side vein, and on the lower surface, okay. On the lower surface, there are many small pores present. Okay, and that pore, pores are called stromata. Okay, so now moving towards the पार्ट्स ऑफ द लीफ फर्स्ट इज द स्टॉक इट अटैच द लीफ टू द्रांच ऑफ द ट्री जो स्टॉक होती है वो लीफ को ट्री की ब्रांच के साथ अटैच करती है सेकेंड वन इज लीफ ब्लेड इट इज फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ ये लीफ का फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है द थर्ड वन इज अ स्टोमेटा ऑन अंडर साइड ऑफ लीफ टाइमिंग पोर्स प्रेजेंट डेट आर कार्ड स्टोमेटा लीफ की दिस इज द अपर साइड ठीक है ऑन द लोअर साइड ऑफ द सर्फेसम एंड स्टोम ओके नाउ मूविंग टूवर्स क्वेश्चन एक्सप्लेन दार्ट ऑफ हिस सीड स्पोर्ट योर आंसर विदग्राम अब फिर हमने सीड्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन करना है और साथ में ही एक डायग्राम ड्रॉ करनी है सो फर्स्टली वी विल सी द डायग्राम And this is a diagram of parts of seed in this these two lines okay and these two lines this this portion shows the seed coat okay this portion shows the seed coat which is the outer covering of the seed okay and this dotted portion all this dotted portion shows the cotyledon which are also called the seed leaf in which food is stored okay? और दिस इज द एम्ब्रियो दिस इज द एम्ब्रियो वी इट द बेबी प्लांट नाउ ये सीड है एज द फॉलोइंग पार्ट सीड की ये सारे पार्ट हैं. फर्स्ट इज द सीड कोड इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड ये सीड की आउटर कवरिंग है सेकंड इज द कोटीलिडन कोटिलिडन क्या है दे स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट जो कॉटिलिडन होती है वो बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करके रखती है द थर्ड वन इज द एम्ब्रियो ठीक है इट इज द बेबी प्लांट दैट ग्रोज इंटू ए न्यू प्लांट एम्ब्रियो क्या होता है वो बेबी प्लांट होता है और किसमें ग्रो करता है एक नए प्लांट में ओके नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द वट इज जॉर्मिनेशन वट इज जॉमिनेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीड इंटू ए सीडलिंग इज नॉन एज जॉमिनेशन क्या प्रोसेस है जिसमें सीड इसमें चेंज हो जाता है सीडलिंग मीन न्यू प्लांट में उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जॉमिनेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर मोनोकोट एंड डायकोट सीड्स और सीड्स मोनोकोट एंड डायकोट सीड्स कौन कौन से होते हैं ठीक है बच्चा वी हैव ऑलरेडी रेड इन द चैप्टर मोनोमीन्स वन एंड डाई मीन टू इट मोनो सीड्स विद वन कोटिलीडन आर मोनोकोट सीड्स एंड सीड विद two cotyledons are dicot seeds seeds having one cotyledons are monocot seeds seed having two cotyledons are dicot seeds now we will discuss the question answers of the fourth part which are give reason for the followings okay here are some statements are given and we have to write the reason ओके, फर्स्ट वन इज नॉन ग्रीन ग्रीन नहीं होता वो अपना food क्यों नहीं कर सकते? आंसर इज बिकॉज दे डू नॉट क्लोरोफिल क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता नाउ मूविंग टूव द नेक्स्ट पार्ट दैट इज लीव्स आर कार्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट लीव को हम प्लांट की फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं बिकॉज लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो फुल पूर, पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज सीड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड जो सीड्स हैं वो प्लांट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है बिकॉज सीड्स हेल्प्स टू ग्रो न्यू प्लांट क्योंकि सीड्स की हेल्प से ही हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सीड कैप्टिन एंड एयर टाइट कंटेनर डज नॉट जर्मिनेट ठीक है इट मीन्स एयर टाइट मीन्स होता है वो कंटेनर जिसमें एयर पास ना कर सके अगर हम किसी सीड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो वो जर्मिनेट क्यों नहीं करता ठीक है वो ग्रो क्यों नहीं करता आंसर इज बिकॉज इट डू नॉट गेट ऑल नेसेसरी कंडीशंस टू जॉमिनेट क्योंकि उसे जॉमिनेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती और एक सीड को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए वो हैं एयर वाटर एंड वाम और जब हम सीड को एयर टाइट कंटेनर में ही बंद कर देंगे तो वहाँ उसे एयर कैसे मिलेगी ठीक है इसलिए वो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर सकता द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये येल्लो लीफ कैन नॉट प्रपेयर इट्स फूड जो येल्लो कलर का लीफ होता है वो अपना फूड क्यों नहीं प्रपेयर कर सकता बिकॉज इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता द नेक्स्ट आर होट्स क्वेश्चन इज वाई डू वी यूज मोस्ट स्टिक टू ट्रेल मनी प्लांट अब वो बोल रहे हैं कि हम मनी प्लांट को हमेशा मोस्ट स्टिक की स्पोर्ट क्यों देते हैं ठीक है बच्चा हमें पता है कि जो मनी प्लांट होता है ना उसकी स्टेम बहुत वीक होती है ठीक है जब वो ग्राउंड में ग्रो कर रहा होता है तो तब तो वो सॉइल की स्पोर्ट लेके ग्राउंड पे क्रॉल करना शुरू कर देता है ग्राउंड पर क्रीप करना शुरू कर देता है लेकिन जब हम मनी प्लांट को पोर्ट में ग्रो करते हैं तो तब हमें उसे स्ट्रेट रखने के लिए कोई सपोर्ट देनी पड़ती है तो हम उसे किसकी सपोर्ट देते हैं मोस्टिक की और हमें उसे मोस्टिक की सपोर्ट ही क्यों देते हैं क्योंकि जो मोस्टिक होती है ना वो सोयल की तरह ही होती है और वो मनी प्लांट को न्यूट्रिशन देती है जैसे प्लांट्स को रूट प्लांट्स को सोइल से न्यूट्रिशन मिलता है उसी तरह मनी प्लांट मोस की स्टिक्स से भी न्यूट्रिशन ले लेता है अपने एक्स्ट्रा रूट्स की रूट की हेल्प से सो आंसर इज टू गिव न्यूट्रिशन थ्रू ऑक्सिलरी रूट्स ओके विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर वन आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर टेक केयर थैंक यू